ठीक है प्यार था ना जितना तो ये खड़े से को कोई कोई को नहीं एक लाख रुपए दे चल मैंने फिर सारी बात बता दूंगा मैं एक एक वोट देखो अभी तो मतलब अभी मानस ही नहीं है नोटों पे जाने का विचार है गांव बस्ती जाते वोट दे के उठे ध्यानगा हम तो पेपर लीक आउट तो इसी सरकार को के करा था खुला पैसा ले रहे हो शिक्षा मंत्री उनके बाद में भी वो सीएम की मी कर रही को ना तो अब की बार चुनाव हम क्या दिखाना चाहूंगा सरकार ने सरकार तो बदलेगी अब विकास ही को नहीं हो राम राम जी मोक्ष पूजल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है लगातार थे देख रहे हो कि मैं चुनावी यात्रा है बकरनो स्टार्ट कर दी है आज आपा पहुंच गए हाँ खेतड़ी क्षेत्र के अंदर आपा आज आया हाँ शिमला गांव है यो शिमला गांव हरियाणा की जो सीमा है बिका सटीक गांव है वो जिला को लास्ट गांव है तहसील को लास्ट गांव है तो लोगों में बातचीत करांगा बड़ा बुजुर्गों कोशिश करांगा महिलाओं भी बात तो वीडियो ज्यादा में ज्यादा शेयर करना है और चुनाव तक चुनावी यात्रा है बात हम लगातार देखते रहनो है जी नमस्ते जी नमस्ते जी बताओ क्या हाल चाल नहीं तेरा किस चीज के बताओ साहब चुनाव का साहब ठीक है एक लाख रुपए दे जाओ मैंने एक लाख रुपए मैं गड़ाऊ दे जाऊ फिर सारी बात बता दूंगा मैं एक एक यानी एक लाख रुपया दे और बात बुझो देखो जी ऐसा है ना ताई मन तो बात ही को नहीं करनी तारू आपके पूछने तो ये बताओ कल वोट भी उनको मायने मिल रहे थे पैसा में तन लगा है कि पैसा में मिली ही मन बेरो सा ना क्या तन कोई दिए के घूस दो लाख रुपया देखो तो ही वोट दूंगी नहीं कौन दू आइए लाइट भी अभी दो दिन से आई है नहीं दो घंटे लाइट आती पूरी रात में ऐसे मच्छर मारते नूर ऐसे क्या करते गहलोत सरकार लाइट नहीं दे रही थी हम हैं बीजेपी की कैंडिडेट सर अच्छा बीजेपी ने दोगा की बीजेपी ने देंगे देखो जी मैं तो नहीं तो किसी से दबवा रहे नहीं किसी से पैसे लेते नहीं कुछ अपन सर अंकल जी आंटी जी कह रही आंटी जी का अलग है साहब अपना अलग है ये कि मैं दूसरा देगा ते ये कहया तो एक घर का आदमी है थोड़ी करया करी ही बुढ़ापा की कोई करेगा ना तारीख उन नहीं दूंगी मैं तो वोट नहीं मैं तो कह नहीं ना दूं इनका तो ये तारा घराला है तो घरालो से ये देखो इनको ही लौटो गो ने मैं ना दूं वोट तारी बात ही कौन माननी वाला जी ठीक है जी थे को नहीं मानो नु बता शिमला में के कृष्ण नु बता दे कोई मैं बुढ़ापो से और कोई के ना कमाओ से उनको के करियो से तन वोट ले के बता पूरा सरपंच बने ऐसी के लेन वो के करियो के करियो ना सलाहकारी पूरी ले ले वोट बिल्कुल ही कौन दे कोई नहीं और तारे जचे बड़े दोगा हाँ अंकल जी की भी कौन सुनो ना अंकल जी तारी लौटी कोनी आंकल कोनी साहब बताओ के करा स्वतंत्रता का जी आराम प्यारू रखिया करो दादा प्यार से रखा जी और के करा कि हमें को लड़ाई गुड़ाई करा जी हां जी ठीक है प्यार था ना जितना तो ये खड़े से इनको कोई कोई को नहीं अंकल जी राम 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 जी राम के नाम में थारो मेरा नाम सत्यपाल है जी अच्छा तो के माहौल है आपके बार थारे गांव में शिमला में देखो हमारे गांव में जो है दोनों पार्टियों से लगभग सभी जो है नाखुश हैं क्यों कांग्रेस का जो विधायक है वो आता है यहाँ जो है झूठे वादे करके चले जाते हैं और ना जो है किसी को जो है किसी प्रकार की राहत मिलती है लुगाई मटका लेके खड़े जा रही ये पानी के लिए अपने यहाँ पानी सप्लाई के लिए और पानी की यहाँ जो है सुविधा नहीं है जो नल के लिए जो डाल रहे हैं वो होनी चाहिए थी लोहे की पाइप लेकिन अब प्लास्टिक की लाइनें जो है फिर दोबारा से जो है डाल रहे हैं वो भी जो डैमेज हो रही हैं जगह जगह से जो है लीकेज है उनमें जो गंदा पानी वापस जो उसमें प्रवाहित हो रहा है और तब की बार कठिन है थारो वोट वोट देखो अभी तो मतलब अभी मानस ही नहीं है नोटों पर जाने का विचार है अच्छा जी यहाँ क्या नोटा पर किया जाओगा तो क्योंकि मतलब किसी से लाभ ही नहीं मिलता किसी पार्टी से लाभ तो भाई नहीं मिला तो जोरा मदी लिया हो जोरा मर्दी किससे लें तो बताओ कि बोलो जाके कि भाई वोटा के टाइम पर वादा करे हमें वादा हाँ तो वोटों के टाइम पर जान जैसे सांसद साहब जो है वो एक बार भी जो यहाँ आए नहीं यहाँ वोट लेने के लिए एक बार आए थे वो भी मात्र एक घंटे के लिए यहाँ बस उसके बाद पाँच साल में एक बार भी नहीं एक बार भी नहीं आया यहाँ से जो हम हमारे जो ग्राम पंचायत के सरपंच साहब और ये जो साथ गए थे और लेकिन उन्होंने जो कोई जो महत्व नहीं दिया यहाँ के लिए शिमला तो भाई एक आंटी जी मन मिला ही हाँ जी आंटी जी राम 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 के नाम है थारो आशा आशा तो आंटी जी वो घड़ो लेके खड़े जा रहे हो पानी लेने पानी लेने पानी आ रहे हो कौन की थारे घरा मारे घरा पानी आवे कौन ये दिक्कत आ रही है के दिक्कत आ रही है तो मार के नलका आ रहे हैं कोई नलका कौन लग रहा है घरा नलका कौन लग रहा भाई अभी बताओ कि भाई पाइप लाइन पड़ी है यानी घरा तक पाइप लाइन पड़ी है कोनी पड़ी अभी तो किमी ना पड़े है कोई फायदा को नहीं हो रही भी तो आपकी बार वोट वाट किन दे रहे हो थे ये बताऊंगा तो नेता लोग काम ही नहीं कर रहे ना तो वोट तो सोच की समझ की तो देगा उठे ध्यानगा हम तो अच्छा और पानी को समाधान अभी तक हुई को नहीं हाँ तो अंकल जी ये बताओ कि भाई थारो जो शिमला गांव है गांव में के माहौल है समस्या ही कोने के भाई अब की बार चुनाव को के माहौल है आज चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट देगा अच्छा कता के वोट ही थारे गांव में
मारा गांव में 4600-4700 के लगभग वोट है। तो कितना है अब की बार पास हो? ज्यादा बीजेपी को है। तो अब की बार कांग्रेस का कार्यकाल में कितो के काम हुए है? कार्यकाल में किमी काम कुन गयो, पडनिया वाला की मेहनत करी पूरी, उनके बाद में लीक आउट है गए, एक एक परिवार में 20-20 थानेदार बनेगा और आईएएस बनेगा। अब वो पढ़ने वाला तो पैसा एमएलए का एमपीए का आन का आदमी लग गया, पटवाड़ो वाला तो क्यों बेफालतू माता पिता उनका खर्चो लगाए बेचारा, और पेपर लीक आउट तो इसी सरकार को क्या करा था फिर? कोई व्यवस्था को ना कांग्रेस की सरकार में, माँ बाप इतना खर्चो लगाए पढ़ाने वाला की इतनी मेहनत करी उनके बाद में पेपर लीक आउट जाए तो वो बालक क्या करोगे बताओ? क्या लगा है कि कांग्रेस सरकार का ही चलता रहेगा? बदलिया में सीएम का के कह दी साहब खुला पैसा ले रहे हो शिक्षा मंत्री, उनके बाद में भी वो सीएम की मी कर रही हो कोने? ध्यान कौन दियो? ध्यान ही कौन दियो, स्पष्ट मीटिंग में कही है साहब बदलिया पे ही पैसा ले रहे हैं। तो ये गांव का नाक के अंदर ही देखो की तरीकों का यहाँ फैल रहे है। हाजी अंकल जी के लिखता ही रहोगा कि कोई वोट वाटा की भी बात करोगा, बताओ किन वोट देगा? हम तो साहब घुमरिया का देंगे वोट। के माहौल चल रहे है? बढ़िया है, बढ़िया था, वोट ले जाए घुमरियो शिमला से सारा अन्य पूछ लो कितना आदमी। अंकल जी थे रही हम भी घूम रहे हैं, मैं एक आदमी हो बीजेपी को भगवान के संग सारा घुमरिया का चुनाव लड़ना ही पहला कितनों काम करा है पूरी जनता में बेरो है। हम तो दंगा आ रहे हैं जितना सेवा का लगी घुमरिया साथ है। 10 बार रैली में भी गया था पंचायत 2-4 दिन पहले दिखा था ली पोलोग्राम भाई हारे हैं जितना आग लगी नसीब पर थे आग लगी नसीब हो चाहे काम कर रहे हो काम कर रहे हो समाज सेवा बिना पैसे काम कर रहे हो समाज सेवा 1 रुपये को न और समाज देश वो आदमी को न पैसे भूखे मरे तो दुनिया काम करे दुनिया याद करे हर गांव में काम करे वो हर गांव में लड़के स्कूल में 20 लाख रुपए लगाए एक गांव पानी पी रहे हो बोर लगाए हो मोटर दे दिया तार दे दी बस मिला सब पूरा गांव में लाइट लगा दी और सबों का देना। तो ये बताओ कि भाई अब की बार 5 साल में यहाँ बताओ कि कौन सा पेड़ का बात लगाए हो कहीं सुखियों के कुछ कुछ बात बैर नहीं कह बात को पर हाल लगाए बोले पेपर का हाल लगाए जाऊँ बोले वो काम करवा दू वही कुन्या पेपर सूख गो तो थारो एक बहुत जोर गयो बहुत जो इंसान गयो बहुत जो किया गयो एक पेड़ न पाल ले इंसान न पाल ले बरोबर है बिल्कुल सही बात है टाबर की नहीं पालनो पड़े हाँ टाबर की नहीं पालनो पड़े है। तो जी हम तो यह बात कहा हम घूम रहे हैं हम तो शिमला में अभी कोई फिलहाल समस्या अभी चल रही है की भाई एक ही प्रॉब्लम अभी तक चल रही है कई साल हम चलती है बिजली की है सारी समस्या पानी की है बिजली की है सारी समस्या ही ना रोड बन रहा अब देश को विकास यदि ऐसा जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी को राजा होगा यदि तो काम है और अंकल जी थे के कहा थे बताओ थारा की डंगी ऐसा है कि अभी जोर तो घुमरिया काफी कोशिश कर रहे हैं खेतड़ी से और शिमला में भी वोट तो लेके जाएंगे। देखा तो थरगाम में अभी फिलहाल समस्या की बात कर ले या रोड भी कौन बन रही है टूट रही फूट रही है तो क्या सिस्टम है वो नाली ही नहीं थरगाम में नाली तो कुन्या और पानी की सबसे बड़ी समस्या है जय कार्यों को तो आ ही रहे है होना तो पूरा लाइन फोड़ रखी है और आग ला के पानी बूंदी कुन्या और बिल भरा तो अब की बार चुनाव में क्या दिखाना चाहोगा सरकार ने? सरकार तो देखो ही 5 साल है भी चेंज ही होगी सरकार तो। सरकार में क्या पलटवार करोगा अंकल जी? सरकार तो बदलेगी अब विकास ही को नहीं हो पानी की टंकी बनाई थी कुमार राम लिफ्ट योजना की अब वो मंत्री यो ही निर्णय कौन ले सके चीफ इंजीनियर ये कह दियो तो भाई आप ये टंकी बना रहे हो गलत बना रहे हो अब वो ऊंचाई के ऊपर बनी टंकी तो हर घर में नल का पानी चला जाएगा अब वो मंत्री ये निर्णय कौन ले सके कठे बनानी है अब कोई 2-4 आदमी वो दबाव दे के उठे हरियाणा का बढ़ा दियो उठासी नीचासी ऊपर ने थोड़ी आओगे पानी ये तो कुदरती हाँ तो हमी कही थी भाई गिलोड़ी मना दो अब उठे बन जाती तो चाहे 4-12 में पानी चढ़ा लेता चुनाव में यही दिखाऊंगा भाई बीजेपी की सरकार बनाऊंगा आगे विकास करवाना हो तो।